এই সোশ্যাল সংবাদটি স্পন্সর করছেন প্রতিমা জুয়েলারি হাউস বাসুদেবপুর পূর্ব মেদিনীপুর। ওয়েলকাম টু মাইতি টিভি চ্যানেল। আজ আপনাদের সামনে আরেক সোশ্যাল খবর তুলে ধরব। চলুন জানা যাক খবরটি কি। একলামে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবসে ভারতীয় জনতা মজদুর ট্রেড ইউনিয়ন দক্ষিণ কলকাতার সাংগঠনিক জেলার পক্ষ থেকে সকল স্তরের শ্রমিকদের আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়েছেন জেলা প্রেসিডেন্ট বোধ নারায়ণ যাদব। চলুন দেখে নি উনি কি বলছেন। নমস্কার, মৈ বোধ নারায়ণ যাদব, ভারতীয় জনতা মজদুর ট্রেড ইউনিয়ন দক্ষিণ কলকাতা জেলা কা অধ্যক্ষ। আজ পুরে ভারতবর্ষ কে মজদুর ভাইয়ো কো আর হামারে দেশবাসিয়ো কো विश्व श्रमिक दिवस का हार्दिक शुभकामना देता हूं। आज का यह साक्षात्कार द यूथ खबर न्यूज के माध्यम से खासकर आपके लिए बनाया गया है। मैं समझ सकता हूं कि आज पूरा देश लॉकडाउन के इस कठिन परिस्थिति में जिस तरह से COVID-19 का संघर्ष कर रहे हैं, बहुत जल्द भारतवर्ष जीत हासिल करेंगे। आज मैं बताना चाहता हूं कि आप लोग ऐसा क्या करें कि कोरोना वायरस के संक्रमण से पूरी तरह से सुरक्षित रह सकें। मैंने एक पहली बार एक साक्षात्कार में बताया था कि चार चीजें बहुत जरूरी है। अगर किसी को संक्रमण में पाया जाता है तो सबसे पहले ये चार चीजें जरूर करें। वो मैंने आपको एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ। गर्म पानी का सेवन दिन में चार बार, गर्म चाय बिना दूध वाला दिन में चार बार और गर्म दूध दिन में चार बार और गर्म पानी का वाष्प केतली में लेकर मुंह को लगाकर जोर से सांस को खींचकर जो वाष्प को हम अंदर लेते हैं, यह चार चीजें अगर आप लगातार 5 दिन तक करते हैं तो कोई भी पॉजिटिव संक्रमित कोरोना पेशेंट नेगेटिव में कन्वर्ट हो सकता है। ऐसा दावा मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हाल ही में चाइना से जो हमें एक गोपनीय सूत्र से जो खबर मिली है उसमें यह साफ साफ बताया गया है कि चाइनीज जिस तरह से पहले जूझ रहे थे, अभी इन दिनों उनमें मृत्यु की संख्या बिल्कुल ही घट चुकी है। हालांकि वुहान शहर में हर एक घर में कोरोना का मरीज है, लेकिन वहां मृत्यु बिल्कुल भी नहीं हो पा रही है। इसका वजह है कि वो लोग इस विधि को अपना रहे हैं। गर्म पानी का सेवन, गर्म चाय का सेवन, गर्म दूध का सेवन और गर्म वाष्प को मुंह के जरिए सांस के जरिए खींच कर इसको अपने फेफड़े में लेने से ये पूरी तरह से जो संक्रमण है उसको समाप्त किया जा सकता है। इसके अलावा हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने सभी को निर्देश दिया है कि आप लोग अपने घर पर रहें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। जी हाँ, क्वारंटाइन एक ऐसी पद्धति है जहां हम लोग खुद को अपने घर पे रखकर इसे बिल्कुल भी सेफ रख सकते हैं। चाणक्य नीति में कहा गया है, जब शत्रु दिखाई ना पड़े तो खुद को छिपा लेना ही बुद्धिमानी है। जी हाँ, जब शत्रु दिखे नहीं तो खुद को छिपा लेना चाहिए। और इसी नीति के साथ जो हमारे भारतवर्ष में यह लॉकडाउन की नीति अपनाई गई है, जिस वजह से हमें
काफी ज्यादा मात्रा में सफलता मिल रही है और इसी लॉकडाउन को कंटिन्यू हमें करते रहना होगा जब तक कि एक भी संक्रमित पेशेंट रह जाता है। तो दोस्तों, आज कुछ खास बातें आपके लिए। जब आप साबुन से हाथ धोते हैं, ऐसा आपको लग रहा होगा कि साबुन से हाथ धोने से क्या होता है, मैं आपको उसका राज बता दूं। जब हम लोग कोई भी गंदगी वाला कपड़ा हो या कोई भी गंदगी को जब हम लोग सर्फ में या साबुन में भिगोते हैं तो उसमें जो झाग होता है वह गंदगी को खींचता है, क्योंकि साबुन के झाग में या सर्फ के झाग में दो तरह की एलिमेंट्स होते हैं, जो कि एक तत्व जो वायरस के बदन पे लगता है और दूसरा तत्व उसे अपनी ओर खींचता है, पानी की तरफ खींचता है। तो इस वजह से जब यह साबुन का झाग जब आप अच्छी तरह से हाथ में 20 सेकेंड से ज्यादा जब इसको मलते हैं तो उस झाग के लिए वो जो बैक्टीरिया है, वो जो वायरस है, वो पूरी तरह से खत्म हो जाता है। फिर उसको जब आप पानी से हाथ धो लेते हैं तो बिल्कुल साफ हो जाता है। इसके अलावा आप क्या करें, आप अगर किसी बहुत ही जरूरी वजह से आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो आपको किस तरह से निकलना चाहिए। सबसे पहले सरसों का तेल लीजिए, कान के छिद्र में, नाक के छिद्र में अच्छी तरह से सरसों का तेल लगाइए। इसके बाद 3 परत वाले कपड़े का बना मास्क या N95 मास्क अपने मुंह पर लगाइए। इसके बाद अगर घर में फिटकरी है उसको पानी में भिगो लीजिए और उस फिटकरी से अपना हाथ को अच्छी तरह से धो लीजिए, फिटकरी पानी से, और उसके बाद ग्लव्स पहन लीजिए, चाहे वो किसी भी तरह का ग्लव्स हो। इसके बाद आंखों को एक चश्मे से ढक लीजिए। इसके बाद अपने इस बाल को किसी रुमाल से या किसी कपड़े से या फिर किसी टोपी से इसे अच्छी तरह से ढक लीजिए। सभी फुल स्लीव्स कपड़े पहनिए, फुल पैंट और सॉक्स के साथ जूते पहनिए। यह हो गया आपका फुल तैयारी। अब जब आप बाहर निकलते हैं, कोई सामान खरीदते हैं, घर में लाने से पहले सामान को दरवाजे पर ही रख के उसके जितने भी पैकेट्स हैं उसको निकाल कर बाहर ही रख दें, और जो सामान है उसको घर के किसी भी साधन में लेकर इसे 3 दिन के लिए किसी ऐसे सुरक्षित जगह में रख दें कि इसे कोई भी हाथ न लगाए। इसके अलावा भी अगर आपको तुरंत सामान यूज करना है तो इसे अच्छी तरह से साबुन से धो लीजिए, इसको पानी से धो लीजिए, इसके बाद आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद आप सबसे पहले अपने पूरे कपड़े को उतार कर सर्फ पानी में भिगो दीजिए और यह कपड़े अगले 24 घंटे तक यानी कि दूसरे दिन तक आप इसको भीगने दीजिए और आप घर के अंदर प्रवेश करके पूरा सर से लेकर पैर तक अच्छी तरह से साबुन से नहा लीजिए, और अगर संभव हो तो डेटॉल, एक छोटा सा एक चम्मच डेटॉल पूरे पानी में लेकर आप बदन में ढाल लीजिए, तो इससे आप बिल्कुल भी न्यूट्रलाइज हो जाते हैं और किसी भी तरह के कीटाणु आप तक नहीं पहुंच पाती है। दोस्तों, हमें पता है आज इन दिनों काफी लोगों को सही जानकारी न होने की वजह से लोग काफी ज्यादा आतंकित हो चुके हैं, तो आप लोगों को बता दें कि यहाँ घबराने वाली कोई बात नहीं है। जैसे आप वीडियो गेम खेलते हैं, अगर नहीं खेलते हैं तो आप खेलिए या देखिए, वीडियो गेम जब कोई खेल रहा होता है तो उसका पूरा का पूरा ध्यान उस वीडियो गेम में रहता है कि वह किस तरह से अपने आप को अपने शत्रुओं से बचाता हुआ आगे बढ़ता है और वह हर एक छोटी छोटी बारीकियां बहुत गौर से रखता है, क्योंकि उसे पता होता है कि अगर किसी तरह से एक छोटी सी चूक हो जाए तो
उसके लिए उसका गेम समाप्त हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल हमारा ये जो कोरोना वायरस से लड़ाई है यह एक वीडियो गेम की तरह है। एक थोड़ी सी लापरवाही, एक थोड़ी सी चूक हमारे जिंदगी में एक बहुत बड़ा सदमा ला सकता है। अगर हमने ऐसा चूक नहीं किया, हम पूरी तरह से अलर्ट रहे, तो हम इस पर बिल्कुल भी कामयाब हो सकते हैं। तो इसीलिए दोस्तों, आप लोग घर में बैठिए, सुरक्षित रहिए, अपने परिवार के साथ पूरी तरह से अपने समय को, बहुत ही ये महत्वपूर्ण समय है अपने साथ, अपने परिवार के साथ बिताने के लिए, और इस पूरे पल का आप आनंद उठाइए। मुझे पता है कि काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, खासकर मजदूर भाइयों को, जो लोग रेगुलर बेस पर जो कमाई करते हैं उनको आज के दिन कुछ शायद वो काम पर नहीं जा पा रहे हैं, उनका काम जा चुका है, उनके पास पैसे नहीं है खाने के लिए। लेकिन ऐसी कठिन परिस्थिति में भी भारतीय जनता पार्टी सरकार, हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने जो यह गरीब कल्याण योजना की है, गरीब कल्याण भोजन योजना की है, इसके बाद मजदूरों के लिए जो अभी 1,000 रुपए करके दिए जा रहे हैं, और इस तरह से महिलाओं के लिए 500 रुपए दिए जा रहे हैं, उज्ज्वला योजना जो लागू किया गया है, इस तरह की ढेर सारी योजनाएं आपके लिए लागू हो चुकी है। आप लोगों को बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है। आप लोग कंप्यूटर में, ऑनलाइन में आप चेक कीजिए, आपको हर तरह की फैसिलिटी के बारे में पता चलेगा। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कोरोना वायरस के इस कठिन संकट में आपके साथ हैं। आपको भी हमारा साथ देना होगा, घर पर ही रहना होगा तब तक जब तक हम लोग पूरी तरह से जीत नहीं हासिल करते हैं। बस इन्हीं छोटे शब्दों के साथ अपने शब्दों को विराम देता हूँ। धन्यवाद। वंदे मातरम। भारत माता की जय। जय हिंद।